अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ थी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अर्ज़ करूँगा कि जो हालिया में बारिशी सिलसिला शुरू हो रहा है उसमें मक्की के जो काश्तकार हैं उनके लिए कुछ गुजारिशात हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों जो जनूबी पंजाब है ना उसमें तो बारिशें बहुत ही नॉर्मल है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होनी, मतलब बहुत ही कम होगी। तो देखें जो भारी मक्की काश्त करने वाले हैं वो मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएंगे। देखें जिन लोगों ने 20 फरवरी तक मक्की काश्त कर ली ना वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 20 फरवरी तक बहुत ही बेहतरीन वक़्त है हमारे पास अगर पैदावार अच्छी लेनी है। जिन लोगों के पास मतलब जनूबी पंजाब में तो बिल्कुल ही नॉर्मल बारिश है वो फरवरी में आसानी से काश्त कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि जिन लोगों के पास ज़मीन खाली पड़ी है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके वो काश्त करें मक्की की। तो 20 फरवरी तक तो बिल्कुल कोई भी इतनी ज़्यादा लेट नहीं है। जो मतलब कुछ इलाकों में ज़्यादा है, जनूबी पंजाब में तो बहुत ही कम है। जनूबी पंजाब के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, मतलब 20 फरवरी तक वो आसानी से काश्त करें और इससे पैदावार अच्छी आएगी। जो 20 फरवरी से पहले होगी उससे इंशाल्लाह पैदावार अच्छी आएगी, क्योंकि जो लेट होगी ना फिर उसकी पैदावार में कमी आती जाएगी। अगर जो है ना बारिश हालिया बारिश वो जनूबी पंजाब में हमने पहले बताया बिल्कुल नॉर्मल है। जिनके पास ज़मीन बड़ी है वो तैयार करें और मक्की काश्त करें, क्योंकि फरवरी में वो काश्त कर लें तो वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जितनी जल्दी होगी ना उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा इतना ही खुलासा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।